नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा आठवीं का गणित पढ़ने वाले हैं। हमारा आज का पाठ है आलेख से परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। ये उसका पहला भाग है। यह विषय सूची है, हम इस वीडियो में ये सब पढ़ने वाले हैं। किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि आलेखों के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए। आलेखों के कहीं उपयोग है। संख्यात्मक तथ्यों को देखने पर कभी कभी हमें ठीक से आकलन नहीं होता, पर अगर उन्हीं को चित्रों द्वारा दिखाया जाए तो हमें जल्दी चीजें समझ आ जाती। इसके कारण पढ़ने में आसानी होती है और तथ्यों में संबंध भी मिल सकते हैं। इसी कारण कई क्षेत्रों में जैसे विज्ञान, गणित में आलेखों का उपयोग किया जाता है। हमारा पहला आलेख है दंड आलेख। दंड आलेख यानी बार ग्राफ। यह मैंने एक दंड आलेख का उदाहरण दिया है। ये किसी विद्यार्थी के अलग अलग विषयों के अंक है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये दंड आलेख बनाते कैसे। ये टेबल देखिए। इस टेबल में मैंने कौन से बच्चे को कौन सा अभिनेता सबसे ज्यादा अच्छा लगता है इसके बारे में बात की है। तो इसका यही मतलब है कि 30 बच्चों को शाहरुख खान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, 40 बच्चों को आमिर खान सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, 60 बच्चों का मनपसंद अभिनेता सलमान खान है, 50 बच्चों का ऋतिक रोशन अच्छा लगता है और 20 बच्चों को अजय देवगन अच्छा लगता है। हम इसका दंड आलेख बनाने वाले हैं और ध्यान दीजिए कि मैं ये दंड आलेख यहाँ पावर पॉइंट में ही बनाऊंगा, बट आपको यही कोई ग्राफ पेपर में या ग्राफ बुक में बना। तो हम दंड आलेख कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। हम पहले एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। हम y एक्सिस में बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ऐसे बच्चे लिखेंगे और यहाँ अभिनेताओं को दिखाया गया है, इसलिए हम यहाँ अभिनेता लिखेंगे। फिर पैमाना लिखना बहुत जरूरी होता है। पैमाना यानी स्केल। यहाँ स्केल है एक मात्रक यानी 10 बच्चे। इसका ये मतलब है कि एक मात्रक लंबाई पे 10 बच्चों का प्रतिनिधित्व किया है। तो 30 बच्चे शाहरुख खान को पसंद करते हैं, इसलिए हम शून्य से लेके 30 तक एक दंड बनाएंगे। उसी तरफ 40 बच्चे आमिर खान को पसंद करते हैं, इसलिए हम शून्य से लेके 40 तक एक और दंड बनाएंगे। ऐसे ही हमें हर एक अभिनेता का दंड मिल जाएगा और साफ साफ दिख रहा है कि सलमान खान को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। दंड आलेख का ही दूसरा प्रकार है दोहरे दंड। इसे अंग्रेजी में डबल बार ग्राफ कहते हैं। ये बिल्कुल दंड आलेख जैसा ही है, पर यहाँ दो अलग अलग दंडों को आजू बाजू में बनाया जाता है और उन दोनों के बीच में तुलना की जाती है। तो अगर किसी तथ्यों के बीच में हमें तुलना करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने बस एक उदाहरण दिया है। नीले रंग से हमने दिखाया है कितने बच्चों को गणित अच्छा लगता है और यहाँ हमने दिखाया है कितने बच्चों को गणित नहीं अच्छा लगता, और इसकी तुलना हमने अलग अलग वर्ष में की। तो चलिए इस आलेख को बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ मैंने साप्ताहिक व्यय यानी वीकली बजट दिया है। यहाँ पे वस्तुओं का नाम बताया गया है। यहाँ पे पहले सप्ताह में उन वस्तुओं का क्या खर्च था ये बताया है और यहाँ दूसरे सप्ताह में उन्हीं वस्तु को क्या खर्च था ये बताया है। यानी खाने का खर्चा पहले सप्ताह में 3,000 रुपये था और दूसरे सप्ताह में 2,000। वैसे ही ये पेय का खर्चा पहले सप्ताह में 800 रुपये था और दूसरे सप्ताह में 900 रुपये। अब हम इस
डेटा को एक दोहरे दंडा आलेख में दिखाने का प्रयास करें। हम यह आलेख कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दंडा आलेख बनाया था। हम पहले ग्राफ पेपर लेंगे और उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। यहां हमने रुपयों का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए हम यहाँ ऐसे रुपए लिखेंगे। हमारा पैमाना है एक मात्रक यानी 500 रुपए। ये लिखना बहुत जरूरी होता है। और दो चीजों को हमें दिखाना है, पहले हफ्ते का खर्चा और दूसरा हफ्ते का खर्चा। मैंने पहला हफ्ते का खर्चा ये बैंगनी रंग में दिखाया है और दूसरे हफ्ते का खर्चा पीले रंग में। आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आप पहले हफ्ते का खर्चा ऐसे दिखा सकते हो और फिर ये दंडा आलेख जैसा ही है। तो खाने में पहले हफ्ते का खर्चा 3000 रुपए का, इसलिए शून्य से लेकर 3000 तक का एक दंडा बनाएंगे और दूसरे हफ्ते का खर्चा 2000 रुपए। तो शून्य से लेकर 2000 तक एक दंडा बनाएंगे। वैसे ही हम और दूसरे वस्तुओं के लिए करेंगे और हमें ये आलेख मिल जाएंगे। हमारा अगला आलेख है वृत्त आलेख। वृत्त आलेख को अंग्रेजी में पाई चार्ट कहते हैं। किसी संपूर्ण के अलग अलग भागों की तुलना करने में वृत्त आलेख बहुत काम आता है। जैसे मैंने यहाँ वायुमंडलीय गैसों की तुलना वृत्त आलेख द्वारा की है। हमें मालूम ही है कि ऑक्सीजन 78% रहता है और ये ऑक्सीजन 21%। ये कैसे बनाते हैं ये अगली स्लाइड में। तो चलिए अभी हम खुद एक वृत्त आलेख बनाने की कोशिश करते हैं। यहां मैंने विद्यार्थियों के मनपसंद अध्यापक के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर अध्यापक का नाम है और यहाँ उन विद्यार्थियों की संख्या है जिनको ये अध्यापक अच्छा लगता है, यानी 93 विद्यार्थियों को आशीष पाटिल सर अच्छे लगते हैं, 95 विद्यार्थियों को पीटर फर्नांडिस सर अच्छे लगते हैं, 208 विद्यार्थियों को अपर्णा वर्मा मैम अच्छी लगती है और वैसे कुल मिलाकर 520 विद्यार्थियों के बारे में बात की गई। तो यदि हमें इसका वृत्त आलेख बनाना है तो हमें कुछ कोण लगेंगे। तो ये कोण कैसे ढूंढेंगे? तो अगर आशीष पाटिल सर के लिए कोण चाहिए, हम 93 का 520 के साथ भागाकार करेंगे और उसी संख्या का 360 के साथ गुणाकार करेंगे। फिर हम उसे पूर्णांक में बदलेंगे, तो इससे हमें 64.38 आया और उसे पूर्णांक में बदलने पर 64 मिलेगा। वैसे ही एक एक अध्यापक के साथ करने पर हमें हमारे पूर्णांक मिल जाएंगे। पर हाँ, ये बात का ध्यान रखना कि पूर्णांक का एकूण 360 होना चाहिए, क्योंकि है तो ये वृत्त और वृत्त में पूर्णांक का एकूण 360 होना ही चाहिए। हर अध्यापक से संबंधित कोण मिलने पर हम ये वृत्त आलेख बना सकते हैं। मैंने यहाँ ये संख्या लिख दी है, पर आमतौर पर ये संख्या यहाँ लिखी नहीं होती, इसलिए वृत्त आलेख केवल तुलना के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वृत्त आलेख से हमें कोई डेटा या कोई संख्या नहीं मिल सकती। अगला आलेख है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम, जो कुछ ऐसा दिखता है। मैंने इसके बारे में इतनी बात नहीं की है क्योंकि ये आप अगली कक्षा में जाकर सीखो। हमारा अंतिम आलेख है रेखा आलेख, जिसे अंग्रेजी में लाइन ग्राफ कहते हैं। ये आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी वस्तु समय के साथ बदल रही हो। यह कुछ ऐसा दिखता है, या मैंने किसी भी चीज की कीमत समय के साथ दिखाई है। हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि ये कैसे बनाते हैं।
तो चलिए अब हम खुद एक रेखा आलेख बनाने का प्रयास करते हैं। यहां पर मैंने हर घंटे एक गाड़ी की गति के बारे में जानकारी दी है, यानी 6 बजे गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, 7 बजे 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, और अब तो आप समझ ही गए रहेंगे। हम इसका अब रेखा आलेख बनाएं। तो पहले तो हम वही करेंगे जो हमने दंड आलेख बनाने के समय किया था। हम एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। यहां पर हम समय दिखा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ऐसे समय लिखेंगे। यहाँ हम गति दिखा रहे हैं, फिर हम पैमाना लिखेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे एक मात्र 1 घंटा है और वाई एक्सिस पे एक मात्र 10 किलोमीटर पर आवर। तो 6 बजे गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक बिंदु बनाएंगे। फिर 7 बजे गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक बिंदु बनाएंगे। वैसे ही हर 1 घंटे पर हर एक एक बिंदु बनाने पर हमें ऐसे 5 बिंदु मिलेंगे, और उन्हें जोड़ने पर हमें हमारा रेखा आलेख मिल जाएगा। और रुकिए, कहीं जाइए मत, अभी भी एक जरूरी चीज बतानी बाकी। इंग्लिश वोकैबुलरी तो अच्छी रहनी ही चाहिए, इसलिए इसे सुधारने के लिए हम 3 नए इंग्लिश शब्द देखते हैं। पहला शब्द है इन्फर। इसका मतलब है उपलब्ध सूचना के आधार पर कोई राय बनाना या सत्यता का निर्णय करना। और इसका एक वाक्य है, दे इन्फर्ड हर डिसलाइक फ्रॉम हर कोल्ड रिप्लाई। दूसरा शब्द है इम्प्लाय। ये भी इन्फर जैसे ही है, पर इसमें परोक्ष रूप में या बिना कुछ कहे किसी बात का संकेत किया जाता है। इसका एक उदाहरण है, योर स्टेटमेंट इम्प्लाइज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज। ठीक है, तो और तीसरा शब्द है स्केप्टिकल। स्केप्टिकल यानी संशय या संशयवाद। और इसका एक वाक्य है, I am totally skeptical of people who claim to be able to foretell the future. ये इस वीडियो का सारांश है। हम अगले वीडियो में इस पार्ट को खत्म कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।